సమస్య ఏంటి మీది నాది ల్యాండ్ ఉంది నాదిన్నా ఇది నా ఫాదర్ వన్ ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేసి నాది రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంది మొత్తం రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ పోతే ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది అంటే నేను నా అడ్వకేట్ ఉంది పర్సనల్ నేను కలిసి కోర్టులో చేయాలి నాకు నేను లీగలి ప్రాసెస్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు పోతే అక్కడ మొత్తం ఇల్లు కట్టిపోయింది మొత్తం ఇల్లు పోయింది ఫోర్ రూమ్స్ बेसमेंट हमाम बाथरूम मीटर नंबर मोतम आई पीदी इधर लैंडी कैसे गवर्नमेंट लैंड कोई भी बना सकते ना। ना, पे कोई बना सकते गवर्नमेंट लैंड पे दूसरे लोग बना ले कौन को को दे रहे डिपार्टमेंट से मेरे को ये सवाल करना है मेरे पास डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री है सामने के पास वाले पास नो एंट्री है तो एमआरओ मैडम आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वहाँ पे एक्शन कहीं ले रहे लैंड ग्राफर्स नो एंट्री पे जो लैंड ग्राफिंग कर एक्शन कहीं ले रहे मैं कलेक्टर को देखिए मैं कलेक्टर को दो बार में वो करा मैं ये हमारा लेटर है मेरे पास एक्लॉचमेंट ये जियो फिफ्टी नाइन दो हजार तेईस में फर्स्ट कंप्लेन लीडर दो हजार उन्नीस में है अगर तीन साल चार साल से अगर आप लोग एक्शन लेते थे वहाँ पर तो लैंड बच जाता था वो गवर्नमेंट लैंड पूरा लैंड ग्रैबर खा ले रहे पूरा पूरा लैंड ग्रैबिंग पूरा खा ले रहे इसमें परेशानी गरीब को हो रही पूरे पूरे परेशान परेशान फिर रहे वहाँ पे हमारे तेलंगाना सीएम से हमारी रिक्वेस्ट है हमारे तेलंगाना सीएम देखिए लैंड ग्रैबिंग का केस आप उठाइए लैंड ग्रैबिंग में बहुत सारे लोग परेशान है वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड पे नो एंट्री करके वहाँ पे लैंड ग्रेपरा भेज दे रहे आपसे ये रिक्वेस्ट है हम आपको तेलंगाना में जितने भी लैंड ग्राफर है सब पे एक्शन होना जो जो गवर्नमेंट लैंड पे नो एंट्री करे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर दोबारा जो नो एंट्री करे वो जो बी का कोई काउंसलर है वहाँ पे काउंसलर का भी इन्वाल्वेड है उसके मेरे पास वीडियो एविडेंस है मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास उस पे भी एक्शन लो आप उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है गवर्नमेंट लैंड पे उस पर भी एक्शन लेना ना आपके चैनल के जरिए हमारी रिक्वेस्ट है